गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में वे खबरें जो आपकी कैरियर से रिलेटेड होती है उसे लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। तो दोस्तों देखते हैं कि मोदी बोले देश को लॉकडाउन से बचाना है, पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, राज्यों के लिए भी हो अंतिम विकल्प, विपक्ष के आरोपों पर कहा दूसरी लहर तूफान बनकर आई है, चुनौती बड़ी है लेकिन मिलकर पार करना है। बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के कहर से घबराई जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि मौजूदा स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य भी इसे अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करें और सभी से अपील करें कि जो जहां है वहीं रहे और टीके लगवाए, देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, प्रवासी मजदूर कहीं आने जाने से बचें। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है, हाई कोर्ट के लॉकडाउन आदेश पर सुप्रीम कोर्ट अब सप्ताहांत कर्फ्यू, शनिवार और रविवार को रहेगी बंदी, प्रशासनिक मुश्किलें खड़ी होंगी, लोगों में डर व कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का तर्क, लॉकडाउन से प्रशासनिक मुश्किलें खड़ी होंगी, लोगों में डर व कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। बता दोस्तों यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बीच योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में अब सप्ताहांत कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अब हर शनिवार और रविवार को आपात सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में सब कुछ बंद रहेगा। अभी सिर्फ रविवार को ही साप्ताहिक बंदी थी, वहीं सर्वाधिक संक्रमित जिलों में रात का कर्फ्यू लागू था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि 500 से अधिक सक्रिय मरीज वाले जिलों में हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंगलवार को याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन पर विचार करने को कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई रखी है। वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोर्डे की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वायरस फैलने से रोकने के कई कदम उठाए गए हैं पर न्यायिक आदेश से लॉकडाउन सही तरीका नहीं है। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है कि नए सत्र में प्रवेश के लिए करना होगा इंतजार, प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए संस्थान को प्राधिकारी नियंत्रण की मंजूरी का इंतजार, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी IERT में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। इसमें प्रवेश के लिए छात्रों को इंतजार रहता है। संस्थान में डिप्लोमा की 13 शाखाओं की 1275 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। बीते वर्ष 12 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी लेकिन अब की अप्रैल के अंत तक संस्थान की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, सब इंस्पेक्टर के पद पर 1433 अभ्यर्थी सफल। बता दें दोस्तों कि कर्मचारी चयन आयोग SSC ने दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों CAPF के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से घोषित परिणाम में 161 पदों में महिला और 1272 पदों पर पुरुष सब इंस्पेक्टर का चयन किया गया है। इस प्रकार 1441 पदों के सापेक्ष 1433 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सब इंस्पेक्टर के पद पर चुना गया है। आयोग की ओर से जारी परिणाम में महिला सब इंस्पेक्टर के 165 पदों के सापेक्ष 161 अभ्यर्थी का चुनाव हुआ है। सब इंस्पेक्टर पुरुष के 1272 पदों में दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर के 224 पदों के सापेक्ष अनारक्षित के 112, OBC के 73, SC के 25 एवं ST के 12 पदों, कुल मिलाकर 222 का चयन अभ्यर्थियों का हुआ है। CAPF में सब इंस्पेक्टर के 1052 पदों के लिए 1050 पर अंतिम चयन हुआ है। CFPF में 501 पद पर अनारक्षित, 305 पद पर OBC, 152 पद पर SC एवं 52 पदों पर ST अभ्यर्थी का चयन किया गया है। आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के अंक 26 अप्रैल से 15 मई
के बीच आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। एक अभ्यर्थी के परिणाम को नकल के आरोप में रोक दिया गया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक और आपके सभी भाई बहनों तक समय से पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए पंजीकरण अब 1 मई तक। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एनआईसी के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ाई है। 15 मार्च को जारी हुआ था भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी और प्रवक्ता पदों के आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। एनआईसी के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 10 दिनों आगे बढ़ाई गई है। चयन बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 21 अप्रैल से बढ़ाकर 1 मई, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 3 मई और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 5 मई तक कर दी है। 5 मई के बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इससे पहले चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को पंजीकरण की तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल की दी, लेकिन आवेदन की परेशानी दूर न होने की वजह से दोबारा आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। बता दें दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई हुई है, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार व सत्यापन स्थगित। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में महाविद्यालय में प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन स्थगित कर दिया। इसमें 26, 27, 28, 29, 30 अप्रैल, 3, 4, 5, 6, 7, 10 और 11 मई को अभिलेखों का सत्यापन नहीं होगा। तृतीय चरण के तहत 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 13 मई को होने वाला साक्षात्कार भी स्थगित कर दिया गया है। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी के अनुसार स्थगित साक्षात्कार और सत्यापन की नई तारीख तय होने पर उसे पोर्टल और वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो बता रहे दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, देख सकते हैं, पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पर भी संकट। कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। परीक्षा के लिए 6.5 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या और मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षा समय पर होने पर संशय की स्थिति है। बीते 2020 में भी अप्रैल से जून तक की परीक्षाएं लंबित हुई थी, उससे पटरी पर लाने के लिए आयोग अगस्त सितंबर से लगातार परीक्षाएं कराकर उसका परिणाम जल्द जारी करके व्यवस्था पटरी पर लाने में सफल हुआ था। ठीक वैसे ही स्थिति इस साल भी बनती नजर आ रही है। तो बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे तो आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबाना होगा और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। इसके साथ ही साथ आज से पीएस क्लासेज निःशुल्क कक्षाएं शुरू करने जा रहा है, वो भी जो है इंग्लिश टीजीटी पीजीटी के लिए और साथ में यूपी टेट सुपर टेट, इसके साथ ही साथ जो है एनवीएस केवीएस डीएसएसबी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज से निःशुल्क इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी। 8 बजे से आपके जो हैं ग्रामर की निःशुल्क क्लास रेगुलर मिलेगी। इसके साथ ही साथ 10 बजे रोजाना सुबह में आपको लिटरेचर की क्लासेस फ्री में दी जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरी वन।